मूली का पानी चेहरे पर लगाने से चेहरे की जूरिया खत्म हो जाती है। अगर चेहरा मोटा है तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाने से चेहरा दुबला हो जाएगा। करेले का पानी पीने से चेहरे पर डब्बे और दाने कभी नहीं आएंगे, चेहरा साफ शफाफ रहेगा। सेहरी के वक्त रात की बची हुई बासी रोटी दही के साथ खाने से रोजे की हालत में कमजोरी और सुस्ती महसूस नहीं होगी। सेहरी में जब आप खाना खा ले तो बिल्कुल आहिर में छोटी इलायची चबाकर खाए और उसके बाद कुल्ली कर ले, थोड़ा सा पानी पी ले, इससे सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे। जिस घर में प्याज उगे हुए हो तो वहाँ पर बिच्छू नहीं आते। घर में लीमू का पौधा उगा हुआ हो तो मच्छर नहीं आते। घर में झाड़ू कड़ा करके रखो तो कौवे नहीं आते। घर में सूंफ का पौधा हो तो सांप नहीं आते। गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं खांसी के दौरान मुंह से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफर करते हैं। नाश्ते से पहले वर्जिश करने से आप ज्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। मछली का तेल आपकी नजर को तेज करता है। जिमाह करने के फौरन बाद थोड़ा सा गुड़ औरत को चटाए, औरत जल्दी हामला हो जाएगी। अंजीर पर शहद लगाकर खाने से दुबलापन दूर होता है। गाजर का जूस पीने से कैंसर की बीमारी कम होती है। रोजाना 8 ग्लास पानी पीने से जल्दी बीमारियां नहीं होती। सब्ज टमाटर खाने से पट्टों में दर्द दूर हो जाता है। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी कम हो जाती है। सब्ज इलायची खाने से सीने की जलन खत्म हो जाती है। जो औरतें छोटी छातियों से शर्मिंदा है वो शक्करकंदी बोन कर खाया करे। सेब के साथ शहद खाने से दिमाग तेज होता है। लहसुन खाने से बंद हैज जारी हो जाता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। गर्म पानी में बर्तन धोने से कांच के जुड़े हुए बर्तन खुल जाते हैं। मैदे में सोजिश का मसला हो तो हमल ना ठहरता हो तो निहार मुंह अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म हो जाती है और हमल भी ठहर जाता है। सुबह के वक्त अदरक के पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से भरा हुआ पेट कम हो जाता है। अमरूद बोन कर खाने से दमा की बीमारी खत्म हो जाती है। केले का जूस पीने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। अंगूर खाने से 1 घंटे में बलगम खत्म हो जाती है। अदरक खाने से पट्टों को ताकत मिलती है। बंद गोभी खाने से मोटापा कम होता है। हारिश वाली जगह पर प्याज का रस माला जाए तो हारिश खत्म हो जाती है। बगलों में चंबेली के फूलों को रगड़ लो, कभी बदबू नहीं आएगी। कलवंजी का रस दही में डालकर छाती पर लगाओ, छातियां 80 साल तक टाइट रहेगी। कीड़े का अंदर वाला गोदा शहद में मिलाकर लगाने से पुरानी सी पुरानी चाइयां भी खत्म हो जाती है। किन चीजों से रोजा टूटता है? इन चीजों से रोजा नहीं टूटता। बाल कटवाने से, तेल लगाने से, इंजेक्शन लगवाने से, मेकअप करने से, मिसवाक करने से, सुरमा लगाने से, उल्टी करने से जान बुझ कर ना हो, नाक से खून बहना, आंख में दवा डालने से, दांतों से खून निकलना और तूक देना, बिला इरादा मच्छर मक्की या धूल मुंह में चला जाए, इन चीजों से रोजा टूट जाता है। जान बूझ कर कुछ खा लेना या पी लेना, सिगरेट नोशी करना, दांत में अगर खाना पंस गया हो तो वो निगल लेना, पीरियड्स का होना, जान बुझ कर उल्टी करना, बादाम का तेल गालों पर लगाने से गाल नरम व मुलायम रहती है, पीसते का रस पीने से सख्त कब्ज भी खुल जाती है, गुड़ गर्म करके नाफ में मसलने से पेट दर्द खत्म हो जाता है, अजवाइन की दूनी लेने से दमा का मरज खत्म हो जाता है, शहतूत खाने से तबीयत को सुकून मिलता है। शहतूत बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और गुस्से को दूर करता है। करेले खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। अगर बाल छोटे हैं तो एलोवेरा का रस पानी में डालकर लगाए। बंद गोभी का सालन खाने से मुंह की जूरिया गायब हो जाती है। इंसान के पाँव का अंगूठा और पाँव की तली सुन होने लगे तो समझो मौत करीब है। शहद सबसे पहले दुनिया से उठा लिया जाएगा। रमजान में
ये गलतियाँ ना करें। रमज़ान में नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये जिस्म में पानी की कमी का सबब बनता है। अफ्तार के वक्त डर्निक सोडा वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। सहरी अच्छी तरीके से करें, इसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर करें। जब पसीना आए तो गर्म पानी पी लिया करो, जिंदगी भर फेफड़े खराब नहीं होंगे। रमज़ान में अफ्तार के बाद एक गिलास नीम गर्म पानी में सिर्फ लीमू और ज़रा सा काला नमक मिलाकर पीने से आप बदहजमी, गैस, पेट दर्द से छुटकारा पा सकती है। इससे मैदा साफ भी होता है। खीरा दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। काले अंगूरों का एक कप जूस रोजाना शाम 4 बजे खाली मैदा पीने से ब्रेस्ट कैंसर जैसा मर्ज जड़ से खत्म हो जाता है। कद में इजाफे के लिए नमाज फजर के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पानी पी लिया करें। कम से कम 120 दिन नाश्ता ना करने वालों में आधे सर का दर्द बहुत आम है, जो कि शुगर लेवल के कम होने की वजह से होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। नाश्ता ना करने से जिस्मानी वजन में इजाफा होता है। हाजमे की खराबी चिड़चिड़ापन भी आम है। अंगूर अंग अंग से बीमारियां खींच निकाले। जिस्मानी तौर पर कमजोर इंसान एक पाव शीरी अंगूर सुबह शाम खाए। कतरा कतरा पेशाब आने की सूरत में एक पाव अंगूर रोजाना खाना मुफीद होता है। जिन लोगों का मैदा अक्सर खराब रहता है, उनके लिए अंगूर पुख्ता का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। गैस या बोझल मैदे वाले हजरात अंगूर का नाश्ता करने से इस मरज से निजात हासिल कर सकते हैं। अंगूर दिल, जिगर, दिमाग और गुर्दों को ताकत देता है, चेहरे का रंग निखारता है और बिनाई को ताकत देता है। अगर सूखी कांसी की शिकायत हो तो दूध में सुवैयां पकाकर उनका दूध पी ले, कांसी ठीक हो जाएगी। तरबूज खाने के बाद पानी पीने से पेट फूल जाता है, निजाम हजमा सुस्त हो जाता है, बाल सफेद है तो प्याज में सरसों का तेल जलाकर लगाए। जो औरतें बैठकर झाड़ू लगाती है उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता। सोने के वक्त बत्ती को बंद करने से जिस्म और दिमाग महफूज रहती है। कुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। चातिया बड़ी करनी है तो निहार मुंह शलजम का अदरक का पानी निकालकर हाथ धोने से हाथ साफ हो जाते हैं। टांग पर टांग रखकर बैठने से बिनाई कमजोर हो जाती है। कमर को झुकाकर बैठने से दिमाग कमजोर हो जाता है। हद से ज्यादा खाना दिमाग को कमजोर करता है। कान पर सोजन आए तो गुर्दे फेल होने वाले हैं। कमर के नीचे चाले निकल आए तो फालेज होने वाला है। जमाही लेते वक्त छाती में दर्द हो दमा होने वाला है। आंखों पर सोजन आ जाए तो आधे सर में दर्द होने वाला है। नाखून पीले होना शुरू हो जाए तो यरकान होने वाला है। पेट के दहे जाने पर सोजन आ जाए तो समझ जाओ पेशाब में रुकावट आने वाली है। सर पर तेल डालने से दिमाग को ताकत मिलती है। खजूर खाने से नफस को ताकत मिलती है। कीरा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। प्याज नमक और सरका एक साथ खाने से भूख बढ़ती है। जिस्म में पानी की कमी की अलामत पसीने का ना आना, सर में दर्द होना, वजन का बढ़ जाना, बार बार कब्ज का आना, सेहत का खराब होना, पट्टों में दर्द होना, गहरे पेशाब का आना, होंठों का खुश्क होना, आंखों का खुश्क होना। नहाने से पहले दाढ़ी को अलग से धोया करो, दाढ़ी के बाल और भी नरम हो जाएंगे, सख्ती दूर होगी। कमर में दर्द रहता है तो सोने से पहले उल्टा लेट कर थोड़ी देर कमर पर वजन रख दिया करो, दर्द दूर हो जाएगा। बगलों में अगर हारिश हो तो बगलों में हारिश हरगिज मत करो, इससे ऐसी बीमारी लगने का खदशा है जो ला इलाज है। गुलाबी रंग के गुलाब के फूल को बार बार सूंघने से बदन से खुशबू आना शुरू हो जाती है। खाना खाने के बाद आलू उबाल कर खा लेने से खाना जल्द हजम हो जाएगा।
हाजमा खराब नहीं होगा। नीम के पत्ते पांव के तलों पर मसलने से उम्र बढ़ती है। शकरकंदी खाने से सर के बाल काले होते हैं। दही का इस्तेमाल आंखों के अंदर कैंसर पैदा करने वाले अज्जा का हाथमा और फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम करता है। बार बार पेशाब आना मसाने में पथरी आने की अलामत है। चावल ज्यादा खाने से जिगर खून नहीं बनाता।